और बड़ी खबर आपको बता दें, स्वाति मालीवाल विवाद में एलजी को दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल ने लिखा कि प्रधानमंत्री जीते हम सब हारे, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप महिला आयोग की फाइल पर साइन कर दीजिए। केजरीवाल ने चिट्ठी में आरोप लगाया कि पीएम के इशारे पर एलजी काम कर रहे हैं। केजरीवाल ने सवाल पूछा कि उपराज्यपाल उपराज्यपाल खुद को सरकार कैसे कह सकते हैं, ये तो तानाशाही हो जाएगी। अभिमन्यु इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिलहाल अब क्या जवाब दिया जा रहा है और क्या सवाल पूछे जा रहे हैं प्रधानमंत्री से केजरीवाल की तरफ से, अभिमन्यु? जी देखिए, अभी अब से कुछ ही देर पहले ये चिट्ठी लिखी गई है केजरीवाल द्वारा एलजी को, और इसमें एक तरह से मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया है। इसमें ये भी कहा गया है कि पहले एसीबी की जो फंक्शनिंग है उसमें खलल डालने की कोशिश की गई सीधे केंद्र सरकार द्वारा, और अब जो है दिल्ली महिला आयोग जो है उसकी जो फंक्शनिंग है उसको एक तरह से रोकने की कोशिश की गई। तो अब ये एलजी को अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी है और इसमें ये लिखा है कि अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जिस तरह से ये पूरे विवाद हुए हैं इसके बाद हम हारे, अब केंद्र सरकार जीती और अब इस पूरे विवाद को खत्म कर देना चाहिए। जो दिल्ली महिला आयोग है उसको बेहतर रूप से चलाने के लिए जो ये मैंने पत्र लिखा है, इसके बाद आप जो है इस पे साइन कर दें और अनुमति दे दें कि दिल्ली महिला आयोग जो है वो पूरी तरह से फंक्शन कर सके। चलिए, लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब एलजी के साथ टकराव में यहाँ केजरीवाल की तरफ से पीएम मोदी पर निशाना साधा गया हो, और ये पहला मौका नहीं है जब केजरीवाल ये कह रहे हो कि केंद्र की तरफ से हस्तक्षेप किया जा रहा है। केंद्र की दखलअंदाजी का ये नतीजा है कि दिल्ली सरकार अपने तरीके से काम नहीं कर पा रही है। नजर बनाए रखें, पल पल का अपडेट आपसे लेते रहेंगे। अभिमन्यु, शुक्रिया।